बार बार रिपीट होगा, चिंता मत करो। देखो आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं, ठीक है। मीनू बताने सिखा दिए थे कि मीनू कैसे बनता है, आज हम तुम लोग बताने वाले हैं कि जैसे एक वेबसाइट है, पोस्ट छोड़ दिए, हाँ वही बताएंगे। एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट में पोस्ट बहुत डिपेंड करता है। जैसे ये देखो ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाया, रंजीत है, रंजीत नाम है, वो बनाया है। देखो कैसा बनाया है ना। तो ये एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट को ग्रो करने के लिए पोस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। कि जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर कि ये मेरा वेबसाइट है thefuturetrack.in। अब हम इस वेबसाइट को अपना ग्रो करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट को ग्रो करेंगे तो मेरा जो ऑडियंस आएगा, जैसे कोई लिखा कंप्यूटर क्लासेस नियर मी टैली कोर्स लिख के सर्च किया, तो कोई सर्च करेगा, जैसे कंप्यूटर कोर्स नियर मी लिखा या बेस्ट कंप्यूटर कोर्स लिखा या लिखा बेस्ट कंप्यूटर कोर्स फॉर जॉब, तो इस पर अगर हम ब्लॉग नहीं लिखेंगे तो मेरा वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग को देखो ब्लॉग लिस्ट लिखा हुआ, ब्लॉग ग्रिड, तो ब्लॉग ग्रिड लिखा हुआ है, तो ब्लॉग ग्रिड हो गया। तो ये देखो यहाँ पर सब ब्लॉग लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ब्लॉग लिखा हुआ, ये दूसरा भाषा में दिख रहा है का। देखो ऐड आ रहा है ना, ये जैसे जैसे ऐड आएगा मेरा पर पैसा हमको आता है। देखो है ना ब्लॉग आ रहा है, तो उसी तरह से तुमको भी ब्लॉग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ब्लॉग लिखना पड़ेगा। तो ब्लॉग कैसे लिखाता है, क्या बोले? ब्लॉग कैसे लिखाता है, इंग्लिश कहाँ गया? तो तुमको पहले ब्लॉग लिखना पड़ेगा, तो ब्लॉग कैसे लिखाता है ये चीज का तुमको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ब्लॉग लिखने से पहले तुमको एक पेज बिल्डर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एलिमेंटर। क्या नाम है? एलिमेंटर। उसके बारे में तुमको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जैसे मान के चलो कि ये रंजीत का वेबसाइट बना हुआ है, हम क्या करते हैं ना रंजीत का इस वेबसाइट को, देखो ये वेबसाइट है इसका, रंजीत ब्लॉग लिखा है ना, रंजीत है ना, इसमें फिर से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देते हैं तो जो था वो सब हट जाएगा। रंजीत RANGIT रंजीत लिख देते हैं, RANGIT रंजीत @1234। और यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट ऑन, हो गया। अब रंजीत का सादा सादी बचेगा। जब तुम कोई भी थीम इंस्टॉल करोगी तो पेज बिल्डर एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे अगर तुमको लेटर तैयार करना है तो तुम एमएस वर्ड यूज करोगे, लेटर यूज कर लेटर बनाओगे तो क्या एमएस वर्ड यूज करोगे। अगर तुमको गूगल मान के चलो तुमको मार्कशीट बनाना है तो क्या यूज करोगे, एक्सेल यूज करोगे। प्रेजेंटेशन बनाना है तो स्लाइड यूज करोगे। अगर तुमको अकाउंटिंग का काम करना है तो टैली यूज करोगे। उसी तरह से वर्डप्रेस में अगर तुमको कोई पेज बनाना है तो उसके लिए एलिमेंटर का यूज किया जाता है। सिर्फ एलिमेंटर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पेज बिल्डर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम पेज बना सकते हैं, आया समझ में। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब यहाँ से रंजीत का देखो हम खोलते हैं। अब देखो रंजीत के यहाँ पासवर्ड मांगने लगा, तो हम इसको रिफ्रेश खाली मारते हैं या F5 प्रेस करते हैं। अब खाली यहाँ पर हैश डाल देंगे और लॉग इन कर देंगे। अभी देखो इसका खुल जाएगा, अब इसका फ्रेश हो खुलेगा, कुछ नहीं रहेगा। अब देखो ताजा ताजी है, बिना झोर भात के एकदम, देखो जिला हिला कुछ है नहीं ना है। अब देखो ये सब बिल्डिंग टिल्डिंग दिख रहा है, खत्म हो गया सब। अब हम इसको एकदम क्लीन कर दिए। अब यहाँ से जो इसका जो ये जो पोस्ट बना हुआ है ना, देखो पोस्ट बना हुआ है, इसको गए अब ये है और पेजेज होगा, कुछ पेजेज है, ये पेजेज है, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं अब बचा इसका, सादा सादी हो गया, ठीक। तो याद रखो कि एक होता है पेज बिल्डर, सब आ गया बाबू, आ गया सब स्टूडेंट। पेज बिल्डर मतलब क्या होता है? पेज बिल्डर मतलब जो हमारे पेज को बनाने में मदद करता है उसी को बोलते हैं पेज बिल्डर। तो बहुत सारा पेज बिल्डर होता है, जैसे WP बेकरी भी पेज बिल्डर है, एलिमेंटर भी पेज बिल्डर है, फिर तुम्हारा वर्डप्रेस का अपना पेज बिल्डर भी है, ठीक है। तो वो पेज बनाने में मदद करता है। तो जो थीम तुम जो थीम इंस्टॉल करते हो ना, तो थीम जो इंस्टॉल करते हैं उसका जो पेज बना हुआ है वो भी एलिमेंटर से ही बना हुआ है।
मेरा बात समझ में आया? तो अगर तुम देखना चाहते हो कि सर पेज बिल्डर कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ गूगल में जाओ, लिखो पेज बिल्डर सॉफ्टवेयर, तो देखो पेज बिल्डर, फ्री पेज बिल्डर सॉफ्टवेयर, वेबसाइट पेज बिल्डर, देखो कितना सारा आ जाएगा। देखो ये एलिमेंटर का है ना, फिर पेज बिल्डर, वर्डप्रेस, देखो लिस्ट, देखो एलिमेंटर सबसे पहले आया, डीबी आया, विजुअल कंपोजर आया, लाइव कंपोजर आया, डब्ल्यू पेज बिल्डर आया, डब्ल्यू पी बेकरी आया, साइट ओरिजिन पेज बिल्डर आया, बीबी प्रेस आया, ब्रेजी पेज बिल्डर आया, और बहुत सारा पेज बिल्डर है जिससे तुम पेज बना सकती हो, और सिर्फ इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम वेबसाइट बना लेगी। हाँ समझ में कि नहीं? नहीं बोल रहा है? हाँ सर। तो तुम किसी इसका भी यूज करके बना सकती हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है एलिमेंटर। तो एलिमेंटर का दो पेज बिल्डर आता है, एक एलिमेंटर फ्री होता है, एक एलिमेंटर प्रो होता है। अगर तुम वैसे वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रही हो तो पेज तो तुमको बनाना पड़ेगा, तो एक होता है एलिमेंटर, एक होता है एलिमेंटर प्रो। तो कुछ ऐसा फीचर है जो एलिमेंटर प्रो फ्री में फ्री दे दिया है, और कुछ ऐसा एलिमेंटर प्रो मिल जाएगा। तो एलिमेंटर प्रो कैसे मिलता है फ्री में, वो हम तुमको दे देंगे, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको? समझ में आया? तो एलिमेंटर प्रो एक पेज बिल्डर सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम पेज बना सकते हैं। अब एलिमेंटर में भी एआई डाल दिया है। हाँ ठीक है। हाँ अब जैसे तुम यहाँ पर गया, सबसे पहले एक थीम इंस्टॉल करो। अब तुम बोलेगा कि सर बार बार आप ओसन डब्ल्यू पी एक्स्ट्रा क्यों ही डलवाते हैं, दूसरा क्यों नहीं डलाते हैं? तो बाबू तुम कोई भी थीम इंस्टॉल करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर तुम जानना चाहते हो कि सर अगर हम जिम का वेबसाइट बनाएं, कोचिंग का वेबसाइट बनाएं, कोई चीज का, अब हम तुमको बताएंगे कि पेज कितना होता है एक वेबसाइट में, वो सारा चीज बताएंगे। तो ओसन डब्ल्यू पी क्या है ना, फ्री है पहला नंबर, और उसमें सारा चीज फ्री है। एक्स्ट्रा नाम का एक है, वो भी फ्री है। तो तुम यहां से चल जाओ। तुम्हारा बैच कौन ले रहा है? तो यहां से थीम में आ जाओ और ये सबको डिलीट कर दो। एक चीज याद रखना कि कभी भी ये भी डिलीट करो। अब ये को रहने दो, तब तक नया थीम इंस्टॉल करो। अगर तुम्हारा जिम का बिजनेस है तो जिम इंस्टॉल कर लो, जिम लिखो आइए जाएगा, कोचिंग है तो आइए जाएगा। जब घर में लैपटॉप है ना तो तुम प्रैक्टिस कर करके देखो, कभी ये इंस्टॉल करो वो हटाओ, वो इंस्टॉल करो वो हटाओ, देखो इंस्टॉल कर करके। तो हम जैसे यहाँ लिख देते हैं ओसन डब्ल्यू पी, इंस्टॉल कर लिए। है क्या फोन बज रहा है? फोन बजना अलाउ नहीं है। फोन बजेगा बाहर जाकर फोन चला। अब इंस्टॉल कर लो सर। अब अलाउ करो, समझ में आया सबको? ये हम थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सब बगुला जैसा दिखेगा। जैसे ही हम इसका इंस्टॉल डेमो क्लिक किए और हम एक वेबसाइट बना रहे हैं ब्लॉगिंग का, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है ना, और हम यहाँ ये ब्लॉगर ये है, यहाँ ले लिए। जैसे इंपोर्ट पर क्लिक करिए, देखो कौन आया, ओसन एक्स्ट्रा आया, ओसन सेटिंग ये आया, डब्ल्यू पी फॉर्म आया, ये आया, चार को देखो अपने आप आ गया। एक इसको एक्टिवेट करो, देखो ओसन एक्स्ट्रा एक्टिवेट है, ये वाला एक्टिवेट करने बोलेगा, यानी जो साइड में नहीं आ रहा है, मतलब शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा इससे, ये आ जाएगा स्टिकी, मतलब इधर उरुकल रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये ले लिया, तो उसे डब्ल्यू पी फॉर्म बस। अब ये इंस्टॉल होने दो पहले अच्छा से। हाँ और यहाँ से एक्टिव पर क्लिक कर दो और यहाँ से डिस डेमो पर क्लिक कर दो। ये जो भी पेज बना बनाया है वो सारा इंपोर्ट हो जाएगा।
कहाँ गया हो? चार्जर हुआ कहाँ है, तो निकालो थोड़ा। देखो आ गया सीधा रिजल्ट, देख लो। अरे देखो है ना, आ रहा है, देखो बन गया मेरा तो, बन गया। लेकिन अब तो बन तो गया, लेकिन इसमें वो लेकिन वर्ड है, हम अगर इसको एडिट करना चाहेंगे, जैसे ये जो मेरा बना हुआ है पोस्ट, या जो बना हुआ है पेज मेरा बना हुआ आया, यहाँ देखो पेज बना हुआ आएगा, लेकिन एडिट करना चाहेंगे तो हम इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई इस तरह का पेज बिल्डर सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल नहीं है। ये सिर्फ जो इसका है पेज बिल्डर, इसको हम क्लियर कर देते हैं, हटा देते हैं सब, यहाँ कट करो, कट करो, स्क्रीन में जाओ, इसको हटाओ 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 हटाओ, और यहाँ कर, हट गया पूरा, साफ लग रहा है देखने में। अब देखो तुम्हारे पास कोई ऐसा पेज बिल्डर है जिससे तुम पेज एडिट करो? है एक, ये ऑल पेजेज में जाओ। अब देखो इसके पास एक तुमको पेज मिला है, अब एडिट पर क्लिक करो। तो ये एगो तुमको पेज मिला है ना, ये वर्डप्रेस में ऑलरेडी है, अच्छा लेकिन वर्डप्रेस का ऑलरेडी है, तुम कुछ दिख भी नहीं करेगा हमें मिले कुछ नहीं। इसके लिए तुमको एक प्लगइन है जिसका नाम क्या है, एलिमेंटर, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एलिमेंटर कैसे इंस्टॉल करेगी, प्लगइन में जाके इंस्टॉल प्लगइन में जाएगी, और यहां से ऐड न्यू प्लगइन में जाएगी, और यहां लिख देगी एलिमेंटर, ई एल ई एम ई एन यू आर, एलिमेंटर, और एंटर मार देगी, और यहां से इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देगी, और एक्टिव पर क्लिक कर देंगे। अब खुल जाना चाहिए तुम लोग का, अरे तुम लोग दिख रहे हो, आ तो गया, ये किसका है, एक्सेम का है ना, कई किसका है, ये ये दूसरा वाला खोल दिया क्या, ये तुम लोग वाला है, नहीं ये भी अच्छा वो हम देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया, अब बैक करो, आ गया। अब एकदम स्थिर से देखो, ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? पहले थीम इंस्टॉल किए, नहीं। हमको अब नया पेज को बनाना है, एलिमेंटर इंस्टॉल किए, प्रीवियस क्लास पेज बनाने सिखा दिए थे कि पेज कैसे बनता है, फिर आज बता रहे हैं पेज बनता कैसे है। हमको बनाना है अबाउट अस पेज, क्या बनाना है, अबाउट अस पेज। अभी सिर्फ तुम पेज बनाओ और एलिमेंटर यूज करो, 1 से 2 दिन अभी एलिमेंटर खाली यूज करना है, कौन ऑप्शन से क्या हो रहा है, हड़बड़ाना नहीं है कि हमको अभी पेज बनाने के लिए सीखना है, एकदम नहीं, पेशेंस रखना। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा चीज है पेशेंस रखना, ऐसे तो नौकरियों जो तैयारियों कर रहा है उसमें भी पेशेंस रखने का चीज है, एक एग्जाम देता है फेल हो जाता है तो क्या दूसरा एग्जाम नहीं देता है, तो उसी तरह से इसमें भी पेशेंस जो रखता है वही आगे बढ़ पाता है। तो तुमको क्या करना है कि पेज में जाना है, ऐड न्यू पेज का ऑप्शन देखो दिया हुआ है, पेज में जाना है ऐड न्यू, समझ में आ रहा है तुमको, ए हाँ यहाँ जाना है, डॉक्टर बाबा कहाँ मर गया हो, है कहाँ गया, तुम्हारा बात हुआ था, थोड़ा हमको बनाना है अबाउट अस पेज, अबाउट अस लिख दिए, और यहां से जाना है पब्लिश में और पब्लिश कर देना है, ठीक। अब उसके बाद जाना है एडिट विथ एलिमेंटर लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक तुम्हारा खुल जाएगा पेज। अब यहां से इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, अब आ गया।
अब पहले देखो इसको बोलते हैं यही है स्टिकी, ये फिक्स रहता है, हमको इसको नहीं रखना है, साइड में है, इसको हमको हटा देना है। तो हम इसको पहले इधर कर लेते हैं और यहाँ पर जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ डिफॉल्ट के जल लेना है कैनवास, एलिमेंटर विथ कैनवास, और जिला हिला कर बिना जोर बात के सादा सादी हो गया। अब तुम अपने मन से ही बना सकती हो, जैसे तुमको डिजाइन करना हो वैसे डिजाइन करो। कैसे किए, सेटिंग में गए, यहाँ गए इनवॉइस, अगर ये ले लेगा फुल विथ तो ऐसा रहेगा, फिर तुम यहाँ से दूसरा लेना चाहते हो ऐसा देखो आ जाएगा, अबाउट अस लिखा हुआ रहेगा, ये हेडिंग रहेगा, मन है कि हेडिंग रखना है तो हेडिंग रखो, ठीक है। फिर तुमको मन है कि सर थीम रखे तो थीम ले लो, थीम जैसा आ जाएगा, अच्छा देखो थीम वाला आ गया। तो तुमको जो मन है उसमें ले सकते हो। हम अगर ब्लॉगिंग के सेक्टर में बोलते हैं ये वाला लो, कला का क्लास है सर, अच्छा ठीक है, अच्छा उनका 40-50 वो स्टूडेंट आता है कल के डेट में, 40 कई हुआ अभी है सर, 30 हुआ है, 14 स्टूडेंट हो गया है। अब देखो एक एक चीज समझना, देखो बाबू ये है तुम्हारा फ्री, यहां से लेके यहां तक फ्री है, और ये सब जितना देख रहा है सब प्रो है, ठीक है। अब एक एक चीज अच्छा समझो, सबसे पहले ये जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन है, और यहाँ दो ऑप्शन है, एक दिया ऐड टेम्पल टेम्पलेट, ऐड टेम्पलेट, और ये दिया है एक क्या ऐड न्यू कंटेनर, कंटेनर मतलब खाली डिब्बा, ओकरा में जो डालना हो तो डालते रहो, और एक है यहाँ पर क्या लिखा है एड टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब बने बनाए डिजाइन को हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं, जो ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ रहता है उसको टेम्पलेट बोलते हैं। तुमको मन है कि सर अबाउट अस का हम बनाना नहीं चाहते हैं, हमको बना बनाए टेम्पलेट मिल जाएगा जिला इलाके वही बहुत है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अपने से इसका लाइब्रेरी खुल जाएगा, ये एलिमेंटर के अंदर का चीज है, एलिमेंटर ऑलरेडी ये बना के रखा है। तो यहाँ पर देखो ब्लॉक सेक्शन दे दिया है कि ये सब ब्लॉक बना हुआ है, अगर आपको ब्लॉक लेना है तो ब्लॉक भी ले सकते हैं, और पेज लेना है तो पेजेज भी ले सकते हैं, कुछ 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 फ्री है और कुछ कुछ तुम्हारा प्रो है, मतलब कुछ है फ्री है बाकी सब प्रो है। हाँ तो ये तुमको बढ़िया वाला लेना है तो ये बढ़िया वाला ले लो, फ्री है, यहाँ लेके और यहाँ पर क्लिक कर दो इंसर्ट पर, गेट स्टार्ट पर क्लिक करो, सॉरी यहाँ जाओ, ये लेके इंसर्ट पर क्लिक करो, और ये क्या आ रहा, वो अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये भी फ्री नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी यूज करना है तो तुमको बाबू पैसा लगाना पड़ेगा टेम्पलेट वाला में, ठीक, तो भूल जाओ। अब तुमको क्या करना है अपने से बनाना है, कहाँ करना है अपने, तो इसके लिए लेना पड़ेगा खाली डब्बा, जैसे देवलीना से बोले कि तुम एगो पिक्चर बनाओ अपना, तो पहले इसको कलर पलर दे देंगे बनाएगी अपना, आगे तुमको बना बनाया मिल गया, तो ये खाली डिब्बा लो, जैसे तुम प्लस पर क्लिक करेगा ना तो बहुत सारा कंटेनर तुमको देगा, कहेगा कि क्या आप एक सिंगल कंटेनर लेना चाहते हैं, कि क्या बोलेगा कि एक सिंगल चाहिए, ये पूछेगा क्या एगो एक कंटेनर का दो भाग बनाना चाहते हैं, एक कंटेनर का एगो बड़ा एगो छोटा, कि एक कंटेनर का चार भाग, कि एक कंटेनर का इन्हें मंझला भाईवा इन्हें बड़का भाईवा बीच में छोटका भाईवा लेना चाहते हैं, है ना, इन्हें बराबर चार भाग में, तो ये अलग अलग कंटेनर दे रहा है, तो जैसा तुमको कंटेनर पसंद है जिस तरह का वेबसाइट का ऑर्डर मिला उस तरह कंटेनर ले लो। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक कंटेनर ले लिए, अब जैसे एक कंटेनर लेगा ना तीन गो ऑप्शन आ जाएगा, एक प्लस का ऑप्शन आएगा, एक यहाँ पर आएगा तीन डॉट नौ डॉट का ऑप्शन आएगा 6 डॉट का, और यहाँ पर आ जाएगा एक
क्रॉस का ऑप्शन आ जाएगा, क्रॉस पर क्लिक करेगा तो जिला हिला के कट जाएगा। फिर यहां पर जाओ और क्लिक करो फिर से, अभी यहां पर प्लस करोगे तो एक ऊपर फिर बॉक्स आ जाएगा, फिर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कट जाएगा, फिर क्लिक करोगे आहा, फिर क्लिक करोगे आहा, ठीक है। और यहाँ 9.66 डॉट है, ये कंटेनर को एडिट करने का ऑप्शन दे देगा कि कंटेनर में आप नहीं होता है, जैसे भैया हम कंटेनर में रखना चाहते हैं झोर ओकर ऊपर मीट, तो पहले झोर बिछा देते हैं, तो ये 9 डॉट पर क्लिक करेगा तो झोर डालने का ऑप्शन आ गया, झोर डालिए, पियर रखना, लाल रखना, हरियर रखना, ब्लू रखना, कैसा कंटेनर, पोतना है, कैसन पोतना, उज्जर रखना, जैसे ये रूम है तो ये रूम को हम कैसा रंग से पोतैया करवाए, नहीं करवाए ऐसे ही है, पहले से है, करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो देख रहा है थी, कंटेनर हुआ कि नहीं, तो ये रूम हो गया कंटेनर, तो कैसा रखना चाहती हो, तो ये 9 डॉट पर क्लिक करेगी 6 डॉट पर, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। और एकरा में 3 गो ऑप्शन आएगा, एक लेआउट, एक स्टाइल, एक एडवांस। बोलो यहां तक समझ में आया। अभी सर लेआउट क्या है, लेआउट मतलब होता है कंटेनर का स्टाइल, लेआउट मतलब क्या बोले, कंटेनर का स्टाइल, क्या बोले फिर से बोलो, लेआउट मतलब किस टाइप का कंटेनर आप रखना चाहते हैं। एक कंटेनर आपको हम दे दिए, आप उसको छोटा बनाना चाहते हैं, बड़ा कंटेनर बनाना चाहते हैं, मांझिल, सांझिल, कांझिल, तो तुम्हारे ऊपर छोटा बड़ा सब जैसा कंटेनर बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेगी नहीं तो लेआउट पर पहले आ जाओ, तो एक देखो कंटेनर का दे दिया है कि आप फुल विड्थ करना चाहते हैं कि आप बॉक्स जैसा बनाना चाहते हैं, इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं कंटेनर का, तो यहाँ से साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसका हाइट बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो देखो कंटेनर का हाइट बढ़ाना चाहते हैं, आह ल ल ल ल ल ल ल ल आ रहा है समझ में। तो ये कंटेनर को तुम बड़ा छोटा यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, कंटेनर को तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, है ना, ये दे दिया। हाँ, अब जैसे तुम कंटेनर में पहले कुछ डालो, हम क्या करते हैं कंटेनर को में एक इमेज डालते हैं, क्या लिखा हुआ इमेज उठाएं, डाल दिए कंटेनर में, यहाँ आ गया इमेज, यहाँ एगो, यहाँ पर क्लिक करो चूज इमेज पर, और एगो इमेज ले लो कोई भी, ये मस्त ले लेते हैं इसको, ये देखो देवलीना के मौसी लग रही है, तुम्हारे जैसा ही गोर है, लो हंस रहा है रे, इसको दिखा रहा है, तुम इसको गरियाती का है नहीं, बाहर नहीं, बाहर में नहीं गरिया, यहाँ नहीं गरियाना, बाहर में गरियाना, तुम लोग ऐसे क्या करता है रे? देखो अब ये जो इमेज बॉक्स लिए, अब जैसे इस 9.6 डॉट पर आए, बापा आ रहा है, गलती से डिलीट हो गए, फिर दूसरा फोटो ले गए, इसे बहुत बदमाश है, आ गया। अब देखो जैसे ही तुम इस पर क्लिक करेगी, आ गया, अभी देखो हाइट इसका बढ़ाना छोटा का ऑप्शन आ गया है ना, कंटेनर जैसे बॉक्स है, हबड़ा मत, पेशेंस रखो, ठीक है, फुल विड्थ कर देगी तो फुल विड्थ हो जाएगा, बॉक्स कर देगी तो बॉक्स हो जाएगा, फुल विड्थ कर देगी तो फुल विड्थ हो जाएगा, बॉक्स कर देगी तो बॉक्स हो जाएगा, फुल विड्थ कर देगी तो फुल विड्थ हो जाएगा, बॉक्स कर देगी तो बॉक्स, समझ में आया। अब यहां से इसका हाइट बड़ा घटा सकते हो, तो इधर इसका इसका यूज अभी नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो ये दोनों समझ में आया, ये दोनों आया समझ में नहीं आया। अब देखो अब इसको हम फिर से डिलीट करते हैं, फिर से यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, अब आ गया ही कंटेनर। अब तुम इसमें कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, अब चाहते हो कि सर ये जो कंटेनर है ना इसके अंदर हम कलर डाल दें, ब्लू, नीला, पीला, तो याद रखना ये लेआउट में खाली चेंजिंग करेगा, ये चीज तो है लेआउट का, मतलब ये रूम का अंदर में कलर उलर चेंज कर सकती हो, इससे साइज बॉक्स छोटा बड़ा कर सकती हो, लेकिन अगर रूम में पेंटिंग करना है ना तो तुमको स्टाइल में जाना पड़ेगा, नहीं समझी, क्या बोले, ई वाला पटिया उठा के वहां कर दो, ये वाला पटिया उठा के वहां कर दो, लेआउट में यूज करेगी, अगर ये वाला जो रैक बना हुआ है ये तुम यहाँ लगा दो, ये वाला रैक यहाँ कर दो, तो उसके लिए लेआउट यूज करेगी, लेकिन अगर तुमको इस रूम को पॉइंट करना है ब्लू, नीला, पीला, तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा,
स्टाइल में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? स्टाइल। तो स्टाइल में आ जाओ। अब स्टाइल में देखो, एक है नॉर्मल, एक है हॉवर। हॉवर मतलब होता है कि अगर कोई कर्सर वहां पर ले गया तो दूसरा कलर हो जाएगा, और हटा देगा तो दूसरा कलर हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ क्लिक किए अभी नॉर्मल में, और यहाँ ले गए और यहाँ पर क्लिक कर दिए, अभी हम इसको कर दिए रेड। क्या कर दिए? रेड कलर। आ गया रेड। यहाँ पर अभी रेड है, ग्रेडियंट कलर करना चाहते तो ग्रेडियंट हो जाएगा, ग्रेडियंट हो गया। अब हॉवर कलर ले लिए, हॉवर कलर में बैकग्राउंड में ले लिए, यहां से मान के चलो ये ले लिए, ये वाला कलर, ठीक है, और अपडेट कर दिए, और इसका प्रीव्यू करेंगे। अब इस पर जैसे कोई क्लिक करेगा ना, वेबसाइट जब स्टार्ट होगा तो यहां पर जैसे कोई क्लिक करेगा तो यहां पर जब आएगा ना तो हो जाएगा हरा। हॉवर उसी को बोलते हैं, समझा मेरे बात? तो ये चीज हॉवर कलर हो गया। लेकिन हॉवर कलर बैकग्राउंड में दिया नहीं जाता है, ठीक है, टेक्स्ट में डाला जाता है। तो ये अगर तुमको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करना है तो तुम स्टाइल का यूज करेंगे, ठीक है। और यहां तक समझ में आया? पहले इसको पहले बताओ कि नहीं आया? इतना हो जाएगा प्रैक्टिस? तो इसको पहले प्रैक्टिस करो।